धूप जलाइए, मैं वहाँ पे चला गया। दोस्तों जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, ये जो केश है तभी मैं कटाऊंगा माता जी के चरणों में, पहले मैं इनको चढ़ाऊंगा उसके बाद ही जाके कटाऊंगा। तो आ गया हूँ क्योंकि मेरे जुबान से वो चीज़ आ गए थे, तो पहले मैं वो करूँगा उसके बाद जो है अब कटाऊँगा। तो माता जी के चरणों में मेरे केश जो है, थोड़ा सा दान, क्योंकि मेरे पास दान के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो है वो मैं चढ़ा रहा हूँ माँ के चरणों में। मुझे मालूम नहीं कि राइट है कि रॉन्ग है, मैडम जी मना करिए कि ऐसा मत करो, क्योंकि मैं चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे क्योंकि ये मेरे जुबान से एक बार निकल गया, तो मैं मैया जी को चढ़ाने के बाद ही अपने केस जो है कटाऊँगा। दोस्तों ये मेरा केस है, माँ के चरणों में चढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो है चरणों में मैं चढ़ा दिया हूँ, अभी माँ के चरणों में चढ़ा दिया हूँ। अब मैं जाके जो है केश को कटा सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है केश जो है बड़े हो गए, बढ़ा के रखा था, मुंह से निकल गया, जुबान से निकल गया कि पहले माँ को चढ़ाएंगे, तो ये कामना भी पूरा हो गया, इसके बाद अब जाके ये केश को भी कटा लेंगे। वो आपको ऐसा नहीं मिल जाएगा, समझे, वो जो चढ़ाते हैं उनको उतार के दे देते हैं। ये देखिए मांगी रही थी, उनको प्रसाद मिल गया, आशीर्वाद ले लीजिएगा, स्वामी जी हैं मंदिर के पुजारी हैं। फाइनली इनको देखो प्रसाद मिल गया, ये मांग रहे थे डायरेक्टली मांग नहीं पाई, बट उन्होंने सुन लिया तो उनको खुद ही दे दिए, अच्छे पुजारी जी हैं। हम माता रानी जी सुने इनकी मुरादे, जगत जननी माँ काली। चलिए अभी चलते हैं पंडाल की ओर। आज की वीडियो में बस इतना ही, कन्या पूजन और कुछ मन्नतें थे वो पूरी हो गई है जो चढ़ा दिए हैं, और अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद और जय माता दी, जय माता दी। I'm not afraid to die.